गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने थोड़ा सा स्मॉल एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसकी समरी। हम यह बात करते हैं एंगल्स। आप सभी को पता होगा एंगल्स, आपने सिक्स में पढ़ा होगा, पर हम एक बार देख लेते हैं एंगल्स होता क्या है। ये हमने मान लो कुछ भी एक बनाया है, यहाँ पे एक कॉमन इसकी वर्टेक्स है, ठीक है, ये दो इधर से आर्म्स जा रही हैं। एंगल की डेफिनेशन में अगर बोलें तो ये बोलेंगे एंगल इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू रेज। ये जो दो रेज हैं जिनको हम आर्म्स बोल रहे हैं, इनके बीच में जो कॉमन एंड पॉइंट पे होता है, इसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, एंगल इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट। ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट से ये बना है, इसको हम बोलेंगे एंगल। ठीक है, और इस दोनों लाइंस को हम बोलेंगे आर्म्स। तो ये हमारा एंगल होता है। कॉमन एंड पॉइंट जो ये होता है, इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। किसी भी एंगल का वर्टेक्स आपसे पूछे तो ये जहाँ से आर्म शुरू होती है, ये कॉमन पॉइंट जो होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। और यहाँ पे बीच में जो बना है ये है एंगल। सो अगेन, कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा एंगल क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं। ये एंगल का साइन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये हमने एंगल बनाया है। ठीक है, इस वाले आर्म को हमने दिया है लाइन को बी सी, ये बी ए। ठीक है, इसको आप ए बी भी बोल सकते हो, बी सी भी बोल सकते हो। ठीक है, ये कौन सा एंगल बना है यहाँ पे, ये एंगल बी। इसको हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी और एंगल ए बी सी। ठीक है, ये बीच में आएगा एंगल ए बी सी। ठीक है, फिर होता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। जैसे नाम से ही पता आ रहा है कि इंटीरियर है मतलब इनसाइड, एक्सटीरियर आउटसाइड। तो अब ये ए बी सी में इंटीरियर एंगल ए बी सी कौन सा होगा, इस ए बी सी के अंदर जो होगा, ये इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। यहाँ पे जो भी होगा एक्स वाई जेड जो भी होगा, वो इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी होगा। और एक्सटीरियर जो इन आर्म्स के बाहर की तरफ होगा, वो होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी। अब आपको कल बताया था, आप देख लिए एक बार, राइट एंगल होता है एक हमारा। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल जो 90 डिग्री होता है, इक्वल टू 90 डिग्री वो कहलाता है। ये 90 डिग्री है, दिस इज़ द राइट एंगल। नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल, जो लेस देन 90 डिग्री होता है। ये हमने ड्रॉ किया है, लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री स्ट्रेट होता है, इससे कम में एक्यूट एंगल कहलाता है ये। फिर है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, जो मोर देन 90 डिग्री होता है। तो ये मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री ये होता है, मोर देन 90 डिग्री इसके इस तरफ जो भी है, तो ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री। देन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हमारा ये स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का जो है, ये होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है अगर दो एंगल आपको कोई भी गिवन है, उनका सम 90 डिग्री आ रहा है, तो दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये एक एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, एंड अदर वन इज 60 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो दिस इज़ अवर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट वी विल रीड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, इफ़ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, देन दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। हेयर वन एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, एंड दिस इज 120 डिग्री। देन 60 प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देन 180 डिग्री अगर दो सम का ऐड 180 है, तो दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल। और अगर किसी भी दो सम का ऐड 90 डिग्री है, इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इक्वल टू अगर सम का दो सम हमारा दो एंगल का सम 180 है, तो दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल। देन वी रीड
एडजसेंट एंगल, ये क्या होता है, कल भी थोड़ा सा आपको बताया था, आप एक बार वापस देखें। ये हमने कोई एंगल ड्रॉ किए हैं इस OA लाइन पे, ठीक है। ये दो एंगल यहाँ पे हैं, इसकी तीन कंडीशन होती है तभी एडजसेंट एंगल होगा। एडजसेंट एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स। अब हमने यहाँ पे ये बन रहा है, आप देखिए एंगल एक तो हमारा हो रहा है एंगल BOA और दूसरा हमारा हो रहा है एंगल COB, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, किसी भी एंगल की कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए इसमें, तभी वो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो वर्टेक्स यहाँ पे O वर्टेक्स ये कॉमन है, ठीक है बच्चों। फिर कॉमन साइड, ये OB कॉमन साइड है दोनों एंगल की, ठीक है, OB कॉमन साइड, ठीक है। और फिर है नो ओवरलैप ऑफ एंगल, यहाँ पे कोई भी एंगल ओवरलैप नहीं हो रहा है, सब अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही हो, जैसे मैंने आपको ये बताया है, एक ये लाइन जा रही है और एक ये वाली लाइन, ये दोनों यहाँ काट रही है, ठीक है। ये यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है इनकी, इसकी दो कंडीशन होती है, कॉमन वर्टेक्स होती है और अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये वन है, सपोज एक एंगल है वन एंड अदर वन इज़ टू, ऑपोजिट है, ये दोनों समान होगा, दोनों सेम होगा, इनका जो भी एंगल होगा ऑलवेज सेम रहेगा, कॉमन वर्टेक्स एंड अपोजिट टू ईच अदर, ओके। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, ये हमारा इसका कंडीशन है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हूँ तो अपोजिट एंगल समान होगा, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एंगल वन एंड एंगल टू हैव कॉमन वर्टेक्स ओ, इन दोनों एंगल के कॉमन वर्टेक्स है ओ, ठीक है, एंड अदर वन इज़ अपोजिट टू ईच अदर, दोनों अपोजिट एक दूसरे के समान है, तो हम इसको लिखेंगे एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, दिस इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एक अलग हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये कॉमन लाइन है, इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर लिया है, एक हमने यहाँ बना लिया, इस पर एंगल है एंगल वन, ये एंगल टू, दिस इज एंगल थ्री, दिस इज एंगल फोर, ओके। इनकी कॉमन वर्टेक्स है और इनमें वर्टिकली अपोजिट है, तो इनमें ये दोनों अपोजिट वाले बिल्कुल सेम होंगे, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, एंगल वन एंड एन एंगल थ्री, एंगल वन एंड एन एंगल थ्री आप वर्टिकली अपोजिट है ये दोनों, तो इसको लिखेंगे एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री। इसी तरह एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर, अपोजिट जो है वो दोनों समान होंगे, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो हमने एंगल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया है, ठीक है बच्चों। अब हम कल एक्सरसाइज 5.1 से शुरू करेंगे, ठीक है। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजसेंट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। मैं आपको इन पेज की फ़ोटो खींच रही हूँ, अभी सेंड कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपनी कॉपी में, क्लियर कॉपी में कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। थैंक यू।